देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। वीओ फोर्ट डेलनेक डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क नई दिल्ली मेडिकैप्स विश्वविद्यालय इंदौर के सहयोग से 25 से 27 सितंबर 2024 तक होटल सयाजी इंदौर में स्मार्ट लाइब्रेरी इंस्पायरिंग एगेजिंग एनेबलिंग एंड कनेक्टिंग यूजर्स कम्युनिटीज फॉर बिल्डिंग नॉलेज सोसाइटीज विषय पर ज्ञान पुस्तकालय और सूचना नेटवर्किंग के 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन नेकलिंग 2024 के आयोजन का समापन 27 सितंबर शुक्रवार शाम को हुआ। डॉक्टर संगीता कौल निदेशक डेलनेट और आयोजन सचिव नेकलिंग 2024 और डॉक्टर अनुराग कुमार खरे लाइब्रेरियन मेडिकैप्स विश्वविद्यालय इंदौर और आयोजन सह सचिव नेकलिंग 2024 ने बताया कि राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश सहित भारत के विभिन्न हिस्सों से 300 से अधिक पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पेशेवर ने भाग लिया। सम्मेलन में लगातार 3 दिनों तक पुस्तकालयों और साइबर सुरक्षा चिंताओं में उभरते रुझानों और प्रौद्योगिकियों सहित विषय और उप विषयों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही नवीन पुस्तकालय सेवाएं और उपयोगकर्ता जुड़ाव डिजिटल ज्ञान संसाधन और ज्ञान समितियों का निर्माण पुस्तकालयों मानव संसाधन विकास सार्वजनिक पुस्तकालय और सामुदायिक जुड़ाव सेवाएं पुस्तकालय संसाधन अधिग्रहण पुस्तकालय संसाधन साझाकरण कॉर्सोर्टियम प्रैक्टिस संसाधन आदि विषयों पर भारत के प्रख्यात पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विशेषज्ञों ने अपने विशाल ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा किया। आपको बता दें कि डेलनेट भारत में प्रमुख संसाधन साझाकरण पुस्तकालय नेटवर्क है जो भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 8,900 से अधिक संस्थानों को जोड़ता है। यह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर नई दिल्ली में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क है। यह पुस्तकों ई पत्रिकाओं ई पुस्तकों ई लेखों आदि वाले लगभग 6 करोड़ अभिलेखों तक पहुंच प्रदान करता है। आयोजक डॉक्टर संगीता कौल निदेशक डेलनेट और आयोजन सचिव नेकलिंग 2024 ने मीडिया से चर्चा में बताया कि सम्मेलन की सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों की प्रस्तुत की जाएंगी। नेकलिंग 2024 ने मीडिया से चर्चा में बताया कि सम्मेलन की सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों को प्रस्तुत की जाएंगी जो भारत में स्मार्ट शहरों के लिए स्मार्ट पुस्तकालयों के निर्माण में मदद करेंगी। नेकलिंग 2025 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। डॉक्टर अनुराग कुमार खरे लाइब्रेरियन मेडिकैप्स विश्वविद्यालय इंदौर और आयोजन सह सचिव नेकलिंग 2024 ने बताया कि समापन पर सम्मेलन में उपस्थित पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पेशेवरों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। सम्मेलन अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल रहा। आज 27 सितंबर को हमारा जो 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था नेकलिंग 2024 आज वो संपन्न हुआ और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 250 से ज़्यादा जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स थे पूरी इंडिया से इंडिया के हर एक कोने से इसमें प्रोफेशनल्स आए और हमारे इनवाइटेड स्पीकर्स जो थे वो भी पूरी इंडिया से थे। और जो मेन डेलीब्रेशंस रहीं इस कॉन्फ्रेंस की वो यही रहीं, एक तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात हुआ कि क्या नया कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो है लाइब्रेरीज़ के अंदर और कैसे हम ज़्यादा इसको बदलाव अपना लाइब्रेरीज में ला सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज के ऊपर आज सेशन एक हुआ था पब्लिक लाइब्रेरीज पर, जिससे बहुत हमारा काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन रहा, बहुत एंगेजिंग सेशन रहा जहां पर बहुत कुछ बात हुई कि कैसे ये जो पब्लिक लाइब्रेरीज जो हैं हम इसको एक्सटेंड कर पाएँ अपने रूरल एरियाज़ के अंदर भी, विलेज लाइब्रेरीज हम कंट्री के अंदर बना पाएँ। और हमारे बड़े स्पीकर्स इसके अंदर जो थे इन्वाइटेड स्पीकर्स रीड इंडिया से डॉक्टर गीता मल्होत्रा जी आई हुई थी और हमारा यहाँ पर जो MP के अंदर जो पहला डिजिटल लाइब्रेरी है ग्वालियर के अंदर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल लाइब्रेरी, वहाँ के भी जो मेन मैनेजर थे डॉक्टर सोनी वो थे। और हमारे काफ़ी डेलीब्रेशंस रही हैं। आज हमारा अपना ही सेशन एक डेलेंट का भी रहा, रिसोर्स कंसोर्शिया का, रिसोर्स शेयरिंग का, क्योंकि डेलेंट भी एक ऐसी संस्था है 9,000 से ज़्यादा हम इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी बहुत काम हो, अच्छा काम हो यहाँ पर लाइब्रेरीज को जोड़ने का जो काम है और जो यूज़र्स हैं वो उन तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचे और लाइब्रेरियंस को बहुत प्रोएक्टिवली काम करना है। और हमें इसमें बड़ी खुशी है कि MP जैसे स्टेट के अंदर प्रोफेशनल्स का काफ़ी पार्टिसिपेशन रहा यहाँ पर, बाकी तो आए ही बाकी स्टेट से। और बड़ा हर सेशन जो रहा हाईली पैक्ड रहा, डेलीब्रेशंस बहुत हुआ है और इसकी जो रिकमेंडेशंस हुई है, हमारा पैनल डिस्कशन आज था जो लास्ट सेशन हमारा रहा है विलेज डिक्टरी से पहले पैनल डिस्कशन हुआ और जिसमें हमारे पूरे अक्रॉस इंडिया से अगेन इसमें जो पैनलिस्ट थे वो थे और
पर, उसमें बहुत डेलीब्रेशन इसकी रिकमेंडेशंस हैं और वो रिकमेंडेशंस हम उस पर हम वर्क करके, एक हमारी रिकमेंडेशन कमेटी है जो इस पर काम करेगी और वो रिकमेंडेशन अब हम स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और चाहते हैं कि बहुत कुछ लाइब्रेरीज के अंदर जो एक जो बदलाव आना है वो मतलब, और ये कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली बहुत कंट्रीब्यूट करेगी, करा है उसने, और ये इसके रिकमेंडेशंस के थ्रू हम चाहेंगे कि वो बदलाव आए लाइब्रेरीज के अंदर। आपकी क्या अपेक्षा है 2025 में जब नैकलिन? हाँ जी, 2025 का जो है नैकलिन वो ऑलरेडी हमने अनाउंस किया है, वो भुवनेश्वर के अंदर हम कर रहे हैं सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ में, क्योंकि इस बात पर हम जोर देना चाहेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में ये हमने पहली बार किया था नैकलिन 2024, और हम उन इलाकों में अभी इस कॉन्फ्रेंस को करना चाहते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं पिछले 27 साल से हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम उन एरियाज़ में, उन स्टेट्स में ले जाना चाहते हैं जहाँ पर अभी बहुत कुछ करना है। लाइब्रेरीज जो हैं और जो यूज़र्स हैं वो अभी भी काफ़ी अपनी जो उनको अपनी रिसर्च नीड्स हैं एकेडमिक्स के लिए उतना सुविधाएं नहीं हैं, और इसीलिए हमने जो ये एंटायर बेल्ट है, हम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा को हमने चूज़ किया है अपने नए कन्वेंशन के लिए, और क्योंकि इन ऐसे ये जो हम कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एक्सपर्ट्स इसमें आते हैं और जो डेलीब्रेशन होते हैं, और इसमें जो लोकल उस स्टेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है, प्रोफेशनल्स को फ़ायदा रहता है और उनको भी मालूम पड़ता है कि क्या ग्लोबली क्या हो रहा है, और इवन एक हैंड होल्डिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत ऐसी भी है कि आप विद इन द सिस्टम, मतलब जो लाइब्रेरीज जो बहुत अच्छा कर रही हैं वो हैंड होल्डिंग करके दूसरों को ट्रेन करें, मदद करें उसके अंदर, और बेस्ट एग्जाम्पल सेट करने का ज़रूरत है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने का ज़रूरत है। और अब जो हम उड़ीसा में हम करेंगे कॉन्फ्रेंस, तो डेफिनेटली हम गवर्नमेंट को भी वहाँ पर अप्रोच करेंगे कि वहाँ के जो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स हैं उनको डिप्यूट किया जाए, और इवन हमारा काम यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है कॉन्फ्रेंस तक, हमारा जो काम है इसके बाद में जो इसकी डेलीब्रेशन है, रिकमेंडेशन है, उसको हम काम करते हैं कि वो हम पहुँचाएँ जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं उन तक, वो जो जो भी रिकमेंडेशन है वो पहुँचे, और इवन विद इन द लाइब्रेरी ग्रुप्स भी जो लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर भी हम मतलब एज अ टेक अवे है उसका कॉन्फ्रेंसेस का, और उस पर फिर हम काम करते हैं। रहा है क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की एक सफल कॉन्फ्रेंस इसको कहेंगे? ये 3 दिन का बहुत ही सफल आयोजन रहा है। मेडिकेप्स डेलनेट का बहुत ही इसमें आभारी है कि उन्होंने इंदौर का वेन्यू चुना और मेडिकेप्स को अपना एसोसिएशन, अपना पार्टनर बनाया इस कॉन्फ्रेंस में। इस कॉन्फ्रेंस में ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल शामिल हुए। इसमें मध्य प्रदेश में पर्टिकुलर इंदौर से लाइब्रेरी साइंस जो पुस्तकालय सूचना विज्ञान विभाग है देवेला विश्वविद्यालय का, उसके जो छात्र छात्राएं हैं जो भावी लाइब्रेरियन हैं वो बनेंगे, वो करीब काफ़ी पूरे की पूरी उनकी क्लास, पूरे उनके फैकल्टी मेंबर्स सभी लोग शामिल हुए, जो ये आगे जाके अपनी अपनी करीब ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा पद हासिल करेंगे, उनके लिए बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस रही है, उनकी लर्निंग्स रही हैं, उनने इसमें बहुत कुछ सीखा है। इस तरह के आयोजन अगर इंदौर में होते रहें तो इंदौर में ना केवल इंदौर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में लाइब्रेरी का स्तर सुधारने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। इंदौर के कई स्कूलों और कॉलेजों के लाइब्रेरियंस भी हेड लाइब्रेरियंस या देखे हैं। हाँ। इंदौर से बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है, सभी स्कूल कॉलेजों के ने अपने लाइब्रेरियंस को यहाँ भेजा है। इसमें जो सम्मेलन में जो चर्चाएं हुई हैं ये सब लाइब्रेरियंस अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को वो चीज़ें बताएंगे, सो दैट वो उसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइब्रेरी में। इनका पर्पज़ है कि अभी लाइब्रेरियन जो रहते हैं वो अपने यहाँ इंदौर में एमपी में वो हार्ड वर्कर बहुत हैं, बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं हर लाइब्रेरियन। अभी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है, स्मार्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे लाइब्रेरी में यूज करना है, डिजिटलाइजेशन कैसे करना है, ये अपने आप में एक बहुत ही सफल कॉन्फ्रेंस है। इस तरह के आयोजन इंदौर में होते रहेंगे तो निश्चित ही लाइब्रेरीज का जो पुनरुत्थान हो जाएगा, बहुत अच्छी लाइब्रेरीज डेवलप हो जाएगी। क्या सभी को सर्टिफिकेट भी दिए गए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? सभी पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट दिया गया है और वो अपने अपने जहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो सभी 3 दिन उनने हमारे साथ बिताए हैं, उनको वो सब चीज़ें अपने इंस्टीट्यूट में भी प्रेजेंट करनी पड़ती हैं, तो उनको एक सफल कॉन्फ्रेंस के बाद उनको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।